कैसा है अभी कंडीशन? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं शाम के 6 एंड आज व्लॉग करने में बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। क्यों हुआ? बिकॉज हम सुबह सुबह उठे एंड क्या हुआ आगे वो बताएंगे मामा। मामा मेरे साथ है। हाँ बताओ क्या हुआ फिर सुबह सुबह आज? आज सुबह सुबह थोड़ी सी परेशानी ये हो गई कि मेरे पापा और मेरे नाना जी जो है उनको काफ़ी शिवरिंग हो गई। उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई, लूज मोशन हो गई उनको, कई सारी चीज़ें एक साथ हो गई। हाँ तो वीकनेस काफ़ी हो गई और इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई कि वो उस दिन पाए हाथ पर एकदम ठंडे हो गए उनके और हम सब लोग काफ़ी घबरा गए थे। लेकिन भगवान की दया से कुछ देर बाद उनको हम हॉस्पिटल ले आए। हम लोग काफ़ी डर गए थे उस टाइम, सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी। लेकिन फिर यहाँ आके जो थी वो लमसम जो मामला था वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया। अभी जो है वो फिलहाल उनको एडमिट कर दिया है, डॉक्टर ने उनको एडमिट होने के लिए कह रखा है, फिलहाल उनको एडमिट कर दिया है। वो सारे वो हो गए, चेकअप सारे हो गए, टेस्ट सारे हो गए, ब्लड रिपोर्ट आ गई हैं और रिपोर्ट अभी डॉक्टर के पास गई हैं। वो आपको देख के बताएंगे कि क्या कंडीशन है, कैसी कंडीशन है और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे डॉक्टर और हम लोग कि आप इनको ओवरनाइट तो सर इनको स्टे करना ही है, अगले दिन देखते हैं कि क्या होता है, कल डिस्चार्ज करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे जहाँ तक है कल डिस्चार्ज कर रहे हैं क्योंकि कंडीशन अभी काफ़ी हद तक उनकी सही हो गई है। तो एक टाइम तो सुबह ऐसा लगा था कि घबरा गए थे सभी लोग, लेकिन अभी मामला काफ़ी अच्छा है, अच्छा बढ़िया है मामला। पापा भी अब एकदम स्वस्थ हैं। अचानक से सुबह नानी का फोन आया कि अचानक से जल्दी आओ, हाथ पर कांप रहे, हाथ पर कांप रहे, नाना जी का हाथ ऐसे कांप रहे थे। तो अचानक से समझ में नहीं आया सुबह सुबह अचानक से क्या हो गया, बट आज हम सभी लोगों ने अच्छे से उसको टैकल कर लिया है। तो अभी फिलहाल आज के लिए तो हम होप फॉर द बेस्ट करते हैं कि हाँ कंडीशन जो है रात भर सही रहेगी और कल फिर हमारे डिस्चार्ज हो जाएंगे, कल दादा जी को स्वस्थ होकर उनको अच्छे से आ जाएंगे। तो बाकी रिपोर्ट लेते हैं, रिपोर्ट देखते क्या है, बाकी एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं, डॉक्टर से डिस्कस कर लेते हैं कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो गाइस, नाना जी यहाँ पे लेटे हुए हैं एंड नाना जी कैसी कंडीशन है आपकी तबीयत? ठीक है भाई, हैं थोड़ा ठीक है, बट नाना जी थोड़े से अच्छे, नाना जी थोड़ा सा फिट कर फाइन हो आप? हाँ फिट एंड फाइन एज कम्पेयर टू जो आपका पहले था थोड़ा बहुत। हाँ थोड़ा ठीक है, ठीक है ना? हाँ थोड़ा आपने नानी ने ग्लूकोज लगा रखा है एंड थोड़ा ये ट्रीटमेंट चल रहा है और नाना जी आज हॉस्पिटल में एडमिट है। बाकी कल सुबह नानी कितने बजे तक आकर हो गए रिलीज? 12 बजे तक ना। 12 बजे तक डॉक्टर ने बोला कि आपको हम डिस्चार्ज कर देंगे, तो होप फॉर द बेस्ट और अच्छा हो सब कुछ। और नाना जी कोई दिक्कत नहीं है, आप फिट जाओगे। ओके नाना जी। सो गाइस, नाना जी बोल रहे कि नाना जी अभी जिस रूम में रुके हैं, नाना जी कैसी फैसिलिटी है? ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, मतलब अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। टीवी भी है, एसी भी लगा हुआ है। हाँ जी हाँ जी, अच्छा नाना जी। हाँ जी, बाकी तो नाना जी बस ये कह रहे थे कि अच्छी सर्विस है और ऐसी सर्विस मिलनी चाहिए लोगों को, है ना नाना जी? हाँ जी हाँ जी। गाइस यहाँ पे नाना जी की दवाई रखी है, ये देखो गाइस इतनी सारी दवाइयाँ हैं इसमें, ये है गोलियाँ हैं, ये है, मतलब इतनी सारी सिरिंजेस लगे, इंजेक्शन रखे हुए हैं एंड यहाँ पे भी कुछ चल रहा है, सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन चल रहा है। नाना जी वॉशरूम में गए अभी और अभी आके यहाँ पे फिर से नाना जी लेट जाएंगे। बाकी बाप रे दवाइयाँ देखो यार। तो गैस अभी ओम आया है रात में, अभी बज रहे रात के 10 एंड पापा मम्मी सब साथ में आए थे, मामा और मैं तो यहीं थे बैठे हुए थे और नाना जी की देखभाल कर रहे थे। नाना जी की थोड़ी सी अभी फिर से दिक्कत फिर से हुई, दो हाथ कांप रहे थे
बट नाना जी कैसा है, थोड़ी देर कैसा है अभी, कैसा है अभी कंडीशन कैसा नाना जी? हैं? ठीक है भाई, थोड़ा सा ठीक है, वैसे तो ठीक नहीं है वो, सच बात हो यार, मतलब हाथ कांप ही रहे हैं, तो अभी भी पहले नहीं कांप रहे थे, मतलब जब से मतलब जो हुआ था तब नाना जी ने हमने दवाई वाई खाई थी, यहाँ पे थोड़ी देर लगा था तो तब नहीं था, अचानक अभी एक डेढ़ घंटे पहले अचानक से कप कपी शुरू हुई, बट कोई बात नाना जी, होप फॉर द बेस्ट, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ओम भी आ गया, ओम भाई कुछ बोलना चाहेगा? क्या बोलूं, क्या बोलेगा, देश को नाना जी के लिए प्रेयर करो, क्या हुआ, क्या बात नहीं है, सब बैठे प्रे फॉर नाना जी, है ना, अरे नाना जी मस्त हो जाएंगे, टन कल दौड़ेंगे, प्रे फॉर ससुर जी, अभी कल ही यहाँ से निकलेंगे बाहर, ऐसा दौड़ेंगे मस्त, फुल स्पीड में दौड़ेंगे मस्त, और स्कूटी में मस्त सब्जी लाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी हाँ। तो फाइनली गाइस अभी हम अपने घर पहुंच चुके हैं, हम निकले थे हॉस्पिटल से एग्जैक्टली 11 o'clock, मतलब सुबह सुबह जब मैं गया था दिन के 10-11 बजे, तो पूरा हॉस्पिटल चक्का चक चक्का चौन से भरा हुआ था, लोग ही लोग थे, और जब वहाँ से निकले तो बिल्कुल सुनसान अंधेरा, घोर घंघोर अंधेरा हो रहा था, पूरा हॉस्पिटल खाली था। सो गाइस अभी बज रहे रात के 12, हमको सोते सोते 12 बज चुके हैं, और इतनी ज़बरदस्त खतरनाक नींद आ रही है, क्या बताऊँ। ओ भाई क्या ना दे तुले, तो कमेंट में सब्सक्राइबर का नाम आया था, नाम क्या था, नाम था हर्षिता शर्मा, सो हेलो हर्षिता शर्मा, हेलो, होप आप हमारे सारे ब्लॉग देखो एंड अपने फ्रेंड्स में अपने दोस्तों में शेयर करो। सो गाइस अगर आपको ब्लॉग देख के मज़ा आया है, आपके चेहरे में स्माइल आई है, आपने इन्जॉय करा है, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, होप फॉर द नाना जी बिल्कुल मस्त हो जाएंगे, दौड़ेंगे खेलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होप फॉर द बेस्ट यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, टिल देन गुड बाय, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।